हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान सो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे प्लस वन केमिस्ट्री चैप्टर फोर जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर को एंड आल्सो इसमें जो है वो टैट एंड टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल एंड नीट के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं सो लेट्स स्टार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए कोबलेंट बॉन्ड कैन बी तो दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने कोवलेंट बोंड जो है वो हो सकते हैं तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर थ्री जो है वो मैक्सिमम कोवलेंट बोंड जो है वो हो सकते हैं जब एक बॉन्ड होगा तो उसको सिंगल कोवलेंट बोल बॉन्ड बोलते हैं जब दो होंगे तो डबल कोवलेंट एंड थ्री होंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसको बोलते हैं तो मैक्सिमम थ्री कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के बीच में हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज द बॉन्ड फॉर्मेशन इन एटम्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम्स अब एटम्स में बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है ठीक है उनको क्यों जरूरत है बॉन्ड बनाने की ऑप्शन ए है एक्वायर हायर एनर्जी स्टेट बी गेट देयर एनर्जी लोअर्ड सी चेंज देयर पोजीशन एंड डी नन ऑफ दीज तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गेट देयर एनर्जी लोअर्ड अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट चाहते हैं वो ताकि वो उनमें स्टेबिलिटी आए ठीक है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी इक्वल टू मिनिमम एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम जो है वो उनकी एनर्जी होनी चाहिए यानी कि जितनी लोअर एनर्जी होगी किसी भी एटम की मॉलिक्यूल की उस उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही हाई होगी ठीक है तो गेट देयर एनर्जी लोअर्ड क्वेश्चन नंबर इज इज इन ऑफ द द द द फॉलोइंग बॉन्ड बॉन्ड एंगल बिटवीन टू मैक्सिमम सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो बॉन्ड एंगल जो वो मैक्सिमम होगा 180 क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है लीनियर होता है ठीक है तो लीनियर स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है वन एटी डिग्री का अब क्वेश्चन इनमें से भी पूछा जाता है कि वाटर का वो, आ, जो बॉन्ड एंगल है वो पूछ लिया जाता है अमोनिया का बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाता है कितना होता है मिथेन का पूछ लिया जाता है लास्ट टाइम एग्जाम में जो है वो अमोनिया का टैट के जो एग्जाम था उसमें अमोनिया का बॉन्ड एंगल पूछा हुआ था कितना होता है सो so वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 अमोनिया का होता है 107.5 एंड जो मीथेन होता है उसमें होता है 109.5 जो है वो उनका बॉन्ड एंगल होता है अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर फोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट हेल्प इन प्रोडिक्टिंग जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो क्या चीज को प्रिडक्ट करती है ठीक है ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑप्शन बी पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑप्शन सी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी बेलेंसी ऑफ द एलिमेंट ठीक है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको प्रिडिक्ट करती है ठीक है जब कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है अगर एक साइड जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दूसरी साइड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा अपनी तरफ को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ठीक है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या शो कर रही है इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल तो पोलैरिटी क्या होगी यहाँ पर ठीक है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर फाइव द बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स वाटर अमोनिया मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन दी ऑर्डर अब इनके जो बॉन्ड एंगल हैं उनका ऑर्डर बताना है तो वाटर का बॉन्ड एंगल हमने कितना पड़ा वन हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव अमोनिया का था वन हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव और मिथेन का था वन हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है तो इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा सबसे ज्यादा किसका है कार्बन डाइऑक्साइड का उससे कम उससे कम और सबसे कम ठीक तो right है then methane, then तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा है देन 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 अमोनिया एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स आई एफ सेवन हैज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिस्पेक्टिवली तो आई एफ सेवन में जो है वो कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर जो हैं वो होंगे अब देखो आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है फिफ्टी थ्री और ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है फैमिली फैमिली का तो फैमिली का जो लास्ट बैलेंस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन ठीक है तो आयोडीन के लास्ट में कितने क्या होगी फाइव डी टेन फाइव एस टू एंड फाइव पी फाइव लास्ट का जो इनका बैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवन ठीक है तो अब लास्ट में सेवन है दैट मीन्स जो आयोडीन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है सेवन तो आई इसने जो है फ्लोरीन के साथ सात बॉन्ड जो है वो बनाए हुए हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर सेवन और इसके अलावा जो है वो कोई भी जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं बचा ठीक है तो कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पेयर जो है वो एक भी नहीं होगा सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर सात जो है वो बॉन्ड बनाए गए यानी कि बॉन्ड पेयर होंगे उसके अलावा इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पेयर क्या होगा जीरो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर In is, अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर सेवन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन एसिटाइलिन इज अब कार्बन एसिटाइलिन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी एस पी टू एस थ्री एस या डी टू अब एसिटाइलिन में क्या होता है कार्बन जो है वो ट्रिपल बाउंड के साथ जो है वो यहाँ पर ये जो होगा इसका फॉर्मूला होगा ठीक है एसिटाइलिन का तो यहां पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसे कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है मैक्सिमम फोर ठीक है ये एक कार्बन आ गया हमारा और ये दूसरा कार्बन ठीक है ये जो है वो क्या है इसके ये वन कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है वन एस टू टू एस वन एंड टू पी थ्री ठीक है तो एक जो है वो एस ऑर्बिटल होगा और तीन जो होंगे वो क्या होंगे इसके पी ठीक है टू पी एक्स टू पी बाई और टू पी जेड सेम हेयर टू पी जेड टू पी एक्स एंड टू पी बाई ठीक है अब जो है वो सी कार्बन कार्बन जो एक बॉन्ड बनाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन होगी एक ठीक है एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है ना यहाँ पर और दो क्या है पाई बॉन्ड तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है जब भी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है हेड टू हेड ठीक है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो और ये क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ठीक है इनमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो हाइब्रिडाइज कौन से हुए एक और दो एक एस का और दूसरा पी ऑर्बिटल तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी हाइब्रिड जो है वो इसमें होगी ठीक है क्योंकि जो ये वाले पी ऑर्बिटल हैं वो कैसे रहे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये ठीक है इनमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सिर्फ ये एस और ये एक पी एक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज हुआ तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी एस SP, पी ठीक है एसपी थ्री कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट uh, है जो तीनों ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है एसपी SP भी एस पी टू एंड एस पी थ्री एस so, पी का एग्जाम्पल तो आपने देख लिया ये था एस पी का एस पी थ्री जो है वो मिथेन आपका शो करता है sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन ठीक है अब फोर होती है ना कार्बन की बैलेंस तो यहाँ पे चारों साइड जो है वो हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है ठीक है जिससे जो क्या आ, जिससे ये क्या बनता है सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं यानी कि तीनों के पी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं सेम एस पी टू का एग्जाम्पल जो है वो इथीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर आप तो कार्बन जो है वो तीनों ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी नॉन पोलर कौन सा बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा अब देखो पोलैरिटी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की वो हम कैसे बता सकते हैं पोलैरिटी के लिए एक साइड जो है वो क्या होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ठीक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए पोलैरिटी के लिए और दूसरी साइड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो होना चाहिए ठीक है तो अब ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये पॉजिटिव है यहां पोलर होगा ये मॉलिक्यूल ठीक है नॉन पोलर पूछे हमसे यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन ईजली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है अब यहाँ पर क्या है फ्लोरीन एंड फ्लोरीन सेम एलिमेंट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम एलिमेंट है ठीक है तो यहाँ पर जो है ये वाला मोलिक्यूल क्या होगा नॉन पोलर जो है वो होगा अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल मैक्सिम हो एस पी एस पी टू एस पी थ्री या डी एस पी टू तो एस पी में बॉन्ड एंगल जो वो मैक्सिमम होता है दैट इज वन डिग्री इसमें वन ट्वेंटी होता है ठीक है सो एस पी में जो है वो बॉन्ड एंगल क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी होती है एस में लीनियर और लीनियर में हमेशा बोन एंगल कितना होगा वन एटी इससे जो मैं इससे ज्यादा जो है बोन एंगल नहीं होता है क्वेश्चन नंबर टेन इज रेशो ऑफ पाई एंड सिग्मा बोन इन बैंजीन इज अब रेशो पूछी है पाई एंड सिग्मा बोन की किसमें बैंजीन में तो सबसे पहले बैंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये जो है वो बैंजीन का स्ट्रक्चर है ठीक है अब पाई बॉन्ड कितने हैं एक दो तीन तो पाई बॉन्ड हम लिख लेते हैं तीन रेशो पूछिए पाई एंड सिग्मा की ठीक है सिग्मा बॉन्ड अब काउंट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हुए ठीके? पहले तो कार्बन की बैलेंसी पूरी करो वन टू थ्री कार्बन यहाँ हो गए मैक्सिमम बैलेंसी चार होती है तो हम एक एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लगाते चलेंगे अब कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई अब इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिक्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड होंगे तो सिक्स प्लस सिक्स कितने हो गए ट्वेल्व टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसके ट्वेल्व तो रेशो कितनी आ गई यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वन फोर जो है वो इसकी क्या आ गई रेशो आ गई पाई एंड सिग्मा बॉन्ड की नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर इलेवन इन विच ऑफ सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से किसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ऑप्शन है एच सी एल बी एच टू ओ सी एच आई एंड डी एच टू एस अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो बनाते हैं आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ठीक है ठीके? फ्लोरीन हो गई ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अब यहाँ पर जो है सिर्फ ऑक्सीजन है जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा रेस्ट तीनों जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वाटर जो है वो, so, right वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड उसका क्या होगा स्ट्रोंगेस्ट होगा अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर इनमें से किसकी जो है वो स्ट्रक्चर पिरामिडल होगी ऑप्शन ए एन एच थ्री ऑप्शन बी बी एफ थ्री ऑप्शन सी 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 एल फोर एंड ऑप्शन डी एच टू तो अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है वो होगी पिरामिडल ठीक है इसको हमने जो है वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर जरूर वीडियो को देखें सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन ये टीजीटी मेडिकल अभी जो नवंबर में हुआ था ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट सबसे छोटा uh, जो है बॉन्डलेंथ किस में होगी इथेन प्रोपेन इथेन या इथाइन ठीक है इथेन और प्रोपेन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इथेन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इथाइन में जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है फिर उससे कम और फिर ट्रिपल में सबसे कम तो किस में होगा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इथाइन में जो है वो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जीनोन एफ टू मोलिक्यूल इज अब जिनोन एफ टू मोलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी है क्या होगी और ये भी डीजीटी मेडिकल में क्वेश्चन आया था तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी एंगुलर ट्राइ एंगुलर प्लेनर या नन ऑफ दीज देखो जिनोन का जो है वो एटोमिक uh, नंबर कितना होता है वन फिफ्टी टू लास्ट जिनोन जो है वो आपकी नॉबल गैस है ठीक है तो इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है सॉरी फाइव एस टू एंड फाइव पी सिक्स ऑक्टेट कंप्लीट है लास्ट बैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है आठ ठीक है आठ इलेक्ट्रॉन है आठ में से जो है वो दो क्या है बॉन्ड बनाए हुए हैं दो बॉन्ड बनाए हैं तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन छह से क्या बनेंगे थ्री पेयर ऑफ लोन पेयर या थ्री जो है वो लोन पेयर बनेंगे तो ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर होगा तीन जो होगा वो क्या बनेंगे लोन पेयर और दो जो है वो क्या बनाएगा ये बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ ठीक है ये जो है वो स्ट्रक्चर क्या बनी इसकी लीनियर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट right आंसर है जिनोन एफ टू मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी लीनियर अब नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल बिच डज नॉट एग्जिस्ट इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है ऑप्शन ए हीलियम टू ऑप्शन बी लिथियम टू ऑप्शन सी सी टू एंड ऑप्शन डी ऑटू ठीक है तो अब कौन से मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो होगा वो मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नाउ हाउ डू वी नो द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू ठीक है डिवाइडेड बाय टू अब जो है वो इसका जो है वो अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का कैसे पता करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है सबसे पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये जिनके ऊपर स्टार लगा है वो क्या होंगे आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये वाले क्या होंगे बॉन्डिंग ठीक है उसके बाद आपका आता है सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस देन सिग्मा सॉरी पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी बाई उसके बाद आएगा आपका सिग्मा टू पी जेड देन पाई पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी बाई और लास्ट में आता है आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड इसमें जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं अब हीलियम हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है वो होता टू तो यहाँ पे दो जो है वो, आ, जो हीलियम के आ, तो हीलियम एक में कितने हुए दो इलेक्ट्रॉन तो दो हीलियम में कितने हो गए चार तो वन एस यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन जो वो फिल करते जाने हैं सिग्मा वन एज टू सिग्मा स्टार टू एज टू द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दो

किस में जो है वो डाइपोल मोमेंट मोर देन जीरो होगा तो नाइट्रोजन का भी ज़ीरो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी जीरो होता है और मिथेन का भी जीरो होता है तो सिर्फ वाटर जो है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता है वो वन पॉइंट एट फोर के लगभग होता है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है क्योंकि जो वाटर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेंट शेप होता है ये Is, अब नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 17. द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन फोर आयन इज अब पेंट टू इन फोर आयन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पेंट मीन्स फाइव कार्बन होंगे फाइव कार्बन की चेन है टू इन यानी कि दूसरे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है फोर आयन मतलब फोर्थ कार्बन जो है वो उसके साथ कैसा है ट्रिपल बॉन्ड हो गया ठीक है अब कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है यहाँ पर कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो थ्री हाइड्रोजन जुड़ेंगी यहाँ पे तीन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो फोर बॉन्ड बन चुके हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अब सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं कितने हैं तो पाई बॉन्ड कितने हैं एक और ये दो तो एक और दो कितने हो गए तीन पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास तीन पाई बॉन्ड हो गए अब सिग्मा बॉन्ड बचे हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ काउंट कर लो कितनी हाइड्रोजन अटैच है तीन चार पाँच छ जो है वो हाइड्रोजन है प्लस कितने जो है वो यहाँ पर एक दो तीन और चार छः और चार दस जो हैं वो क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड होंगे और तीन जो हैं वो क्या होंगे पाई बॉन्ड जो हैं वो यहां पर होंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन Which of the following molecule species has only pi bonds according to molecular orbital theory? इनमें से किसमें जो है वो सिर्फ pi bond जो है वो होंगे। so, Option C is the right answer. Carbon और carbon के बीच में जो bond होगा वो सिर्फ pi bond जो है वो होगा। Up next is the question number 19. Molecules are held together in a crystal by molecules जो हैं वो crystal में किसके through जो हैं वो एक दूसरे से attach होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑप्शन सी वंडरबाल्स अट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वाल एट्रैक्शन के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल में हेल्प टुगेदर होते हैं अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फॉर्मल चार्ज एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इन पीओर थ्री नेगेटिव आर अब इसमें जो है वो फॉर्मल चार्ज पूछा हुआ है और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पूछा गया है तो फॉर्मल चार्ज जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज इक्वल टू जितना जो है चार्ज होगा दैट इज माइनस थ्री डिवाइडेड बाय जितने एटम्स के ऊपर चार ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो थ्री नेगेटिव चार्ज है तो डिवाइडेड बाय फोर इसको जो है डिवाइड करके कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव ये आ गया इसका फॉर्मल चार्ज अब जो है बॉन्ड uh, ऑर्डर जो है वो हमने पता करना है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें uh, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो ये है आपकी फॉस्फोरस uh, तीन ऑक्सीजन के ऊपर जो है थ्री नेगेटिव चार्ज है ठीक है अब जो है वो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड कितने है? एक दो तीन चार पांच डिवाइडेड बाय कितने जो एटम्स के साथ जो है वो उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है एक दो तीन चार एटम्स के साथ जो है वो पांच बॉन्ड बनाए हुए हैं फाइव डिवाइडेड बाय फोर 1.25 जो है वो आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पी पाइ डी पाइ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बिच मॉलिक्यूल। SO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव। तो पी पाइ डी पाइ बॉन्डिंग जो है वो SO3 2 नेगेटिव में जो है वो होती है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिक्सटीन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर इसके बाद जो है वो थ्री डी ऑर्बिटल आता है ठीक है बाकी किसी में भी जो है वो लास्ट बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं आता है तो यहाँ पर जो है वो एस ओ थ्री में जो है वो क्या होता है बैक बॉन्डिंग जो है वो होती है यहां से जो वो बैक बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्योंकि जो सल्फर है उसका जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा है डी ऑर्बिटल जो है वो present है है वो प्रेजेंट इसमें ठीक तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जो है वो किसमें होती है ऑप्शन नंबर ए आप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर टी डैश इज द विद बॉन्ड एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री इनमें से किसमें जो है वो बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी होगा तो ऑप्शन ए है देखो बॉन्ड एंगल 120 कब होता है जब जो है वो आ, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है तो अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर इनमें से किसकी जो है वो ज्योमेट्री होगी सबसे पहले हम इनका जो सेंट्रल एटम है उनका जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख लेते हैं जो फफॉरस है आपका उसका जो एटॉमिक uh, नंबर होता है वो फिफ्टीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी थ्री अब जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो एटॉमिक uh, नंबर होता है वो सेवन होता है और कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी वन एस टू टू एस टू एंड टू पी थ्री नेक्स्ट है आपका बोरोन बोरोन की जो एटोमिक नंबर होता है वो फाइव होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी is 2, 2 is, uh, 2 and 2p, और जो लास्ट है क्लोरीन का सॉरीक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन uh, की होगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी फाइव अब देखो बैलेंस शेल देखने है हमने बैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी के प्रेजेंट है अब जो फॉस्फोरस वाला है उसमें पांच जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है पांच में से उसने, उसने सिर्फ तीन के साथ बॉन्ड बनाया यानी कि एक लोन पेयर उसमें प्रेजेंट होगा और जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगनल प्लेनर से जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है ठीक है यानी कि वो ट्राइगुल ट्राइगुनल प्लेनर नहीं रहती है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया नेक्स्ट है नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में जो है वो पांच इलेक्ट्रॉन है सेम तीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया एक लोन पेयर आएगा इसकी भी जीमैट्री जो है वो ट्राइगुल ट्राइगुनल प्लेनर जो है वो नहीं होगी नेक्स्ट जो है वो बोर बोर में जो है वो फाइव तीन जो है वो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तीन ही इसने बॉन्ड बनाए हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो नहीं है ठीक है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइगुनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री और लास्ट है डी तो इसमें भी पांच जो है वो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है तीन के साथ सिर्फ बॉन्ड बनाए हैं ए ठीक है तीन के साथ ही बॉन्ड बनाया इसमें तो दो जो है वो इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ठीक है दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो इसकी जोमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी ये भी जो है वो ट्राइगनल प्लेनर नहीं रहेगी और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी वन ट्वेंटी का नहीं होगा सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज करेक्ट ऑर्डर इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑर्डर है तो सिंपल सी बात हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर जो है रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है उसके बाद जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होती है और उससे कम जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो सबसे ज्यादा किसमें होती है लोन पेयर लोन पेयर में उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होती है लोन पेयर लोन पेयर में जब दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, ठीक है और जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर थोड़ी इससे कम होगी और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो है वो इन दोनों से कम जो है वो रिपल्शन होती है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर Which of the following has three bond pairs and one lone pair surrounding the central atom? इनमें से किसे किस में जो है वो तीन bond pair हैं और एक lone pair है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर तो दो ही बॉन्ड है हाइड्रोजन के तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे तीन तो नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो गया यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाए हैं तो ये भी नहीं हो सकता अब बचे ये वाले दो क्योंकि बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे तीन है अब लोन पेयर चेक करना है हमने कि किस में जो है वो सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर है तो बरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है हमारे पास फाइव इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी वन एस टू टू एस टू एंड टू पी वन तो मैक्स बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तीन तो मैक्सिमम कितने जो है बॉन्ड बना सकता है तीन कोई भी लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है तो इसमें लोन पेयर नहीं है अब phosphorus का देख लेते हैं phosphorus का जो एटॉमिक uh, नंबर होता है वो होता है हमारे पास पंद्रह और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है वन एस टू टू एस वन एस टू एंड थ्री पी थ्री आएगा तो तीन जो है वो इसने बोंड बना लिए हैं बैलेंसल में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच तीन के साथ उसने क्या बना लिए बोंड दो इलेक्ट्रॉन बचे दो इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे वन लोन पेयर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें जो है वो तीन पेयर होंगे और एक जो है वो लोन पेयर होगा अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड फॉलोइंग इनका जो है वो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बताना है किसमें बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा है किसमें उससे कम है किसमें उससे कम है तो इथेन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होगा तो सिंपल हमने पहले भी डिस्कस करा सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है उससे कम और ये सबसे कम तो सबसे पहले क्या आएगा ए देन बी देन सी तो ऑप्शन ए जो है वो राइट right आंसर है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन ए पेयर इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो मोलिक्यूल पेयर जिसके ऊपर नहीं होगा ठीक है तो अमोनिया और वाटर का स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है अमोनिया में भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वाटर में दो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और अब बचे सिर्फ दो ऑप्शंस पी एफ फाइव एंड एस एफ फोर तो इनकी सेंट्रल एटम की जो है इलेक्ट्रॉनिकेशन लिख लेते हैं का जो है वो कितना सल्फर है? है. आता है तो इसका सिक्सटीन है सल्फर का क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी फोर अब देखो बैलेंसल में में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो फॉस्फोरिस ने तो पांच के साथ बॉन्ड बना लिया कोई लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये भी गया अब बचा सल्फर सल्फर के पास छ इलेक्ट्रॉन है छे में से चार के चार का उन्होंने बॉन्ड बनाया दो इलेक्ट्रॉन बचे दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वन जो है वो लोन पेयर होगा ठीक है तो इसमें भी लोन पेयर है इसमें भी लोन पेयर है इसमें भी लोन पेयर है बचा कौन सा ये वाला तो इसमें जो है वो कोई भी लोन पेयर नहीं है सो ऑप्शन बी जो है वो राइट right आंसर है सेम आप अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं चेक करी है तो आप इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं ठीक है नाइट्रोजन का और जो और इसका जो है वाटर का भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन का मैं कहती नाइट्रोजन का जो अटोमिक नंबर होता है वो कितना होता है सेवन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन क्या होगी तो तीन के के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पांच साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया एक क्या बच गया दो इलेक्ट्रॉन बचे तो बन, बन, बन गया सेम जो है वो आप वाटर का भी जो है वो ऐसे करके चेक जो है वो कर सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ दॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी इनमें से किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है वो सबसे कम एनर्जी होगी ठीक है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम कैसे लिखते हैं उनको एनर्जी के बेस पे सबसे पहले आपका आता है सिग्मा वन एस देन सिग्मा स्टार एस ये जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनके ऊपर स्टार होगा वो होंगे आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस देन आपका आता है पाई टू पी बाई सॉरी टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी बाई इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है इसके बाद आपका आता है सिग्मा टू पी जेड इसके बाद आपका आता है पाई स्टार टू पी एक्स दैट इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी बाई और लास्ट में आपका आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड तो ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो एनर्जी के बेस पे ठीक है सबसे हाई एनर्जी जो है इसकी होती है सबसे कम उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे ऐसे करके जो है वो ये होती है ठीक है एक और ऑर्डर है इसका दैट इज सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस यहां पर सिर्फ क्या होता है कि ये जो जेड वाला है वो पहले आ जाता है सिग्मा टू पी जेड उसके बाद सेम ऑर्डर रहेगा वल टू पाई टू पी जेड देन सेम रहेगा स्टार टू पी जेड ये वाला जो ऑर्डर है वो होता है आपका ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरिन के लिए और न्योन के लिए ठीक है और ये वाला ऑर्डर बाकी के एलिमेंट न्योन जो है वो दोनों ही ऑर्डर जो है वो शो करता है तो ये वाला ऑक्सीजन फ्लोरीन और न्योन के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि जो जेड वाला है वो इससे पहले आ जाता है ऊपर वाले में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो पाई टू पी और पाई टू पी बाई हैं वो जेड से पहले आते हैं ठीक तो है तो अब यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी किसकी जो है वो इनमें से सबसे कम एनर्जी होगी ठीक है तो इसकी सबसे कम होती है उससे ज्यादा ऐसे ऐसे करके लिखे गए हैं ये तो सिग्मा टू पी जेड पाई स्टार टू पी बाई पाई स्टार टू पी सिग्मा स्टार टू पी सिग्मा स्टार टू एस तो की एनर्जी जो है वो बाकी के कम्पेटिवली कम है तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो शेप ऑफ एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन इज लीनियर ट्राइगनल बाई पिरामिडल पिरा प्लेनर या टेट्राहेड्रल सो ऑप्शन बी जो वो राइट आंसर है, है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और जो लीनियर होती है वो एस पी हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो लीनियर होती है स्क्वेयर प्लेनर जो है वो होती है आपकी डी एस पी टू डी एस पी टू की जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्र प्लेनर होती है एंड टेट्राहेड्रल जो होती है वो होती है आपकी एस पी थ्री की जिसमें एक जो है वो ऐसे ऑर्बिटल होगा और तीन जो है वो पी ऑर्बिटल जो है वो होंगे तो ये वाली कौन सी हुई टेट्राहेड्रल द अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डाई मैग्नेटिक है नेचर में डाई मैग्नेटिक मीन्स जिसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो ऑप्शन ए हीलियम टू पॉजिटिव ऑप्शन बी हाइड्रोजन टू ऑप्शन सी हाइड्रोजन टू पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन टू नेगेटिव अब देखो हाइड्रोजन का जो अटोमिक हीलियम uh, का जो अटोमिक नंबर होता है वो होता है दो और हाइड्रोजन का होता है एक ठीक है यहाँ पर दो जो हैं वो हीलियम्स uh, के मोलिक्यूल्स हैं ठीक है थीके? दो मोलिक्यूल प्रेजेंट है दैट मीन्स लियम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं दैट मींस दो हैं तो एक में अगर दो है तो चार जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो हीलियम के मॉलिक्यूल में अब एक पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे किसी ने ले लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया बचे तीन तो तीन जो है वो कभी भी क्या होगा डायमैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जो वो फिल किए जाते हैं नेक्स्ट वाले में फिर एक ही रह जाएगा ठीक है तो अनपेड आ गया ना तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है अब है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो हाइड्रोजन में कितने हो गए दो अब एक ऑर्बिटल में दो ही हाँ ये वाला डायमैग्नेटिक जो है है वो हो सकता नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एच टू प्लस अब हाइड्रोजन दो में कितने होने थे दो इलेक्ट्रॉन एक जो है इससे चला गया बचा कितना एक तो वो भी क्या रह जाएगा पैरा मैग्नेटिक हाइड्रोजन टू नेगेटिव नेगेटिव मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है ठीक है तो दो जो है इसके पास ऑलरेडी थे इलेक्ट्रॉन एक और प्लस हो गया ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर से क्या होगा एक ऑर्बिटल जो है इसका अनपेड रह जाएगा तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है जिसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे पेयर्ड जो है वो होंगे तो डायमैग्नेटिक इसका होगा एच टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जी ओ एफ फोर इज अब इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो कितने हो तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक लास्ट बैलेंस शेल में क्या होता है 4d10 5s2 एंड 5p6 यानी कि नोबल गैस है और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है मैक्सिमम एट बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एट में से इसमें इसने जो है वो छे के साथ जो है बॉन्ड बनाया हुआ है ठीक है जिनॉन ने जो है वो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और चार बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए हैं एक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन बच गए यानी कि वन पेयर जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा सो so, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है वन लॉन पेयर जो है वो जिनोन ओ एफ फोर में जो है वो एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा सो दैट्स ऑल फॉर दुडे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग